श्रद्धा आफ्ताब, सूफियान निधि, शमशाद प्रिया, इन सभी इंटरफेथ कपल्स में बहुत सारी चीजें कॉमन है। ऐसे सिमिलर हजारों लाखों केसेस में तुम्हें एक सेम पैटर्न दिखाई देगा, स्पेशली इन कपल्स की आफ्टर मैरिज लाइफ की स्टोरीज में, एंड दैट इवेंचुअली एंड अप इन सो कॉल्ड लव जिहाद। आज इस वीडियो में आराम से इस बारे में बात करेंगे। इस वीडियो का मेन उद्देश्य होगा टू टेल यू व्हाई हिंदू गर्ल्स स्पेसिफिकली फॉल फॉर दिस ट्रैप। और अगर तुम्हें पॉलिटिकल या कम्युनल बातें सुननी है तो ये वीडियो तुम्हारे लिए नहीं है, क्योंकि पॉलिटिकल बातें करने से किसी भी चीज का सॉल्यूशन नहीं मिलता। इस वीडियो के एंड में मैं ट्राई करूंगा तुम लोगों को सॉल्यूशन भी दूं अपने एंड पर हम क्या चीजें कर सकते हैं ताकि हम इन सब चीजों को कम से कम कर पाए। तो सभी को मेरा नमस्ते, मेरा नाम है दीपांशु, द इंडिक लीग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भगवत गीता के प्रथम अध्याय में श्री कृष्ण से अर्जुन का एक बहुत बड़ा कंसर्न था। अर्जुन का मानना यह था कि महाभारत का सबसे बड़ा कॉन्सिक्वेंस वुमेन्स पर होगा और जो कि इवेंचुअली कुल का नाश होने का कारण भी बन सकता है, क्योंकि फीमेल्स प्रोक्रिएट एंड दे आर द रूट ऑफ द सोसाइटी। तो अगर रूट ही पॉलिटिकल हो जाएगी तो समाज का और कुल का नाश होना तो तय है। तो इसी बात के विपरीत में काम करता है लव जिहाद। लव जिहाद का सबसे पहला मेंशन केरला कैथोलिक बिशप काउंसिल ने अक्टूबर 2009 में किया था, जिसको इंडियन राइट ने बहुत अच्छी तरीके से आज तक इस्तेमाल किया है। लव जिहाद इज सिंपल, अ मुस्लिम मैन विल इंपर्सनेट एज अ नॉन मुस्लिम, उसके बाद सिंपल एक हिंदू लड़की से प्यार और शादी के बाद वही फोर्सफुल कन्वर्जन। अगर तुम कन्वर्ट हो गए तो ठीक, वरना खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। इंडिया में मोस्टली इंटरफेथ कपल्स की एक ही कहानी है, दैट इवेंचुअली एंड अप इन लव जिहाद। तो लेट्स ट्राई टू पॉन्डर दिस क्वेश्चन, ऐसा होता क्यों है। यहाँ से आगे ये वीडियो तीन पार्ट में डिवाइडेड होगी, तीन अलग क्वेश्चंस को हम यहाँ पर पॉन्डर कर रहे होंगे। देखो, मेन सवाल को बिना टाइम वेस्ट करे कॉन्कर करते हैं। अगर तुम देखो, आफ्टर मैरिज के अलावा भी बिफोर मैरिज वाले भी बहुत सारे पैटर्न इन सारे कपल्स में सेम होते हैं। सिंपल साइकोलॉजी, आओ समझाता हूँ। फीमेल्स बाय डिफॉल्ट रिक्वायर अटेंशन एंड केयर, दे वांट टू बी डिजायर्ड एंड ट्रीटेड लाइक अ इन्फेंट। तुम लोग यही एक पैटर्न मिस कर रहे हो जो कि बहुत सिंपल है। इनके टारगेट में सिर्फ वो फीमेल्स रहती है जो कि मेंटली वल्नरेबल है और एक्सप्लॉइटेबल है। दे मेट देम जब ये लड़कियां किसी मेंटल ट्रॉमा से या फिर मेंटल वल्नरेबिलिटी से गुजर रही होती हैं, और वल्नरेबिलिटीज में इमोशंस को एक्सप्लॉइट करना बहुत ईजी हो जाता है। फीमेल टेंड्स टू फॉल फॉर टू टाइप्स ऑफ गाइज, बीस्ट द बैड गाय एंड द ब्यूटी द सिंप्स। बीस्ट इन होप ऑफ फिक्सिंग देम, एंड ब्यूटी ताकि वो खुद में डोमिनेटेड और केयर्ड फील कर सके। सिंप्स एक्चुअल में एक बीटा मेल की कैटेगरी है जो कि टू गेट लेड कुछ भी कर सकते हैं। पीपल लाइक आफ्ताज एंड अब्दुल कम्स इन द सिंप कैटेगरी, दे सिंप ऑन देम, दे गिव देम द शुगर ऑफ द फेक अफेक्शन। एज सून एज दे फाउंड आउट दैट गर्ल्स ब्रेन्स हैज ऑलरेडी रजिस्टर्ड देम एज अ कांस्टेंट सोर्स ऑफ अटेंशन एंड हैप्पीनेस, देन दे स्टार्ट द गेम ऑफ मैनिपुलेशन। एक बार औरत प्यार में गिर गई तो वो उनके लिए कुछ भी कर सकती है। जहां एक तरफ हिंदू लड़के इवन इन रिलेशनशिप्स कमिटमेंट और शादी की बात से दूर भागते हैं, वहीं अब्दुल फीमेल्स को इतनी फेक कमिटमेंट देते कि पूछो मत। और एक बात समझो दोस्त, फीमेल्स के लिए कमिटमेंट एक बहुत बड़ा फैक्टर है। क्यों? सिंपल, इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी। इवोल्यूशन ने औरतों को सिखाया है टू सीक स्टेबिलिटी एंड कमिटमेंट, और उन लोगों का फीमेल्स को दिया हुआ कमिटमेंट मेक्स देम मोर कॉन्फिडेंट इनटू दीज आफ्ताब्स एंड अब्दुल्स। और फिर यहीं से वो वाली बात आ जाती है, मेरा अब्दुल तो अलग है। Now the question might arise inside your head, why does it happen? Lack of care from the men of the family and the family itself. देखो, इसे समझना easy है। Most Indian family treats their kids like shit, especially in the case of females. Care तो छोड़ो, Indian parents attention तक नहीं देते। आज की generation पहले की तरह नहीं है, आज की generation के पास convenience है। इसी वजह से they got suppressed और उनके अंदर एक aggression की feelings बढ़नी शुरू हो जाती है, and they become more rebellious. Family से अब नहीं बन रही, ये वाला phase यहीं शुरू होता है। और ये attention और care deficient state उन्हें easily vulnerable और exploitable बनाती है। तो बस attention और care की खोज में वो subconsciously बाहर निकल जाती है। And because of their rebellious nature, they seeks out a submissive partner जो उनकी हर वक्त सुन सके। और most love jihad के केस में तुम्हें ये same aspect मिलेगा भी कि लड़का बहुत ज़्यादा submissive था शादी से पहले। बाकी बची कुछ ही कसर ये इंटरनेट और आज के मीडिया ने पूरी कर दी है। मीडिया ने और इंटरनेट ने इन्हें बता दिया कि तुम लोग विक्टिम हो पैट्रियार्की के, तो इस पैट्रियार्की सोसाइटी का रेबेल करो। और इसके अलावा ये प्यार रोमांस वाली बॉलीवुड की कहानियां जिसमें कि अब्दुल सर सो सो गुड, ये सभी चीजें और पीयर प्रेशर तुम्हें कहता है टू फाइंड अ पार्टनर। नाउ द सोल्यूशन पार्ट, मैं इस वाले पार्ट में फोकस करूंगा कि हम लोग क्या कर सकते हैं अपनी एंड पर, क्योंकि पॉलिटिकल बातों से कुछ नहीं होता। इवन द पॉलिटिक्स डिडंट वांट टू चेंज एनीथिंग, दे डोंट वांट दीज थिंग्स टू वैनिश आउट। उनके लिए सिर्फ एक वोट पाने का तरीका है। इवन योर करंट रूलिंग पार्टी इन द सेंटर डोंट वांट टू एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स।
तो इन सब चीजों को अपने एंड पर एंड करने के लिए तुम लोग क्या कर सकते हो। इस वाले पार्ट में आई हैव टेकन इंस्पिरेशन फ्रॉम मनुस्मृति इटसेल्फ। तो आओ बात करते हैं सॉल्यूशंस पे मनुस्मृति के बेस पे। चैरिटी बिगिंस एट होम, घर से शुरू करो। देखो तुम अपनी घर की औरतों को या कन्याओं को घर में कैद नहीं कर सकते। दे हैव टू गो आउट, दे हैव टू फेस द वर्ल्ड एंड बिकम स्ट्रांग। बट तुम्हें अपने एंड पर लुक आउट करना है और ये तुम्हारा काम है। यू हैव टू मेंटेन अ प्रॉपर डायलॉग विद हर। बात करो कॉन्स्टेंटली उनसे, स्पेशली इन सब टॉपिक्स के बारे में। उनके आसपास एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाओ जहां दे कैन शेयर एवरीथिंग विद यू विदाउट हेजिटेटिंग। उन्हें बॉक्स करने की कोशिश मत करना, बिकॉज द हार्डर यू ट्राई द वर्स इट विल गेट। सेकेंड, स्टार्ट रिस्पेक्टिंग एंड केयरिंग फॉर देम। इन मोस्ट केसेस फीमेल्स अपना घर छोड़ने को तैयार हो जाती है सिर्फ एक ऐसे बंदे के लिए जिन्हें वो सिर्फ 2 साल पहले मिली है, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि ये बंदा उसकी ज्यादा रिस्पेक्ट और केयर कर रहा है एज कम्पेयर टू देयर फैमिली, और फैमिली की वैल्यू उसके लिए जीरो हो जाती है। तो रिस्पेक्ट देम। अगर तुम ये सोच रहे हो कि गुस्से से तुम इस चीज को कंट्रोल कर लोगे या उन्हें कंट्रोल कर लोगे, तो दोस्त तुम गलत हो। एक औरत समाज की नींव होती है और उसे हाईएस्ट रिगार्ड पर रखना तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। औरत आदमी कंपैरेटिवली ज्यादा इमोशनल भी होती है। तो दोस्त गुस्से से कुछ भी चीज तुम उन्हें नहीं सिखा सकते। अगर मनुस्मृति के हिसाब से बात करूं तो महर्षि मनुस्मृति में कहकर गए हैं, जिस कुल में स्त्रियां अपने पति के गलत आचरण व अत्याचार या आदि दोषों से पीड़ित रहती हैं, वह कुल शीर्घ नाश को प्राप्त हो जाता है, और जिस कुल में स्त्री जन पुरुषों के उत्तम आचरण से प्रसन्न रहती हैं, वह कुल सर्वदा बढ़ता रहता है। ट्रूली मैस्कुलिन मैन। पुरुष होने का मतलब है कि तुम अपनी बेटी, बीवी, बहन, माँ को जो भी चीज चाहिए वो तुम उन्हें प्रोवाइड करो, चाहे वो रिस्पेक्ट हो या केयर, ताकि इन सब चीजों के लिए बाहर उन्हें किसी और के पास ना जाना पड़े। दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तुम्हारा काम है उन्हें करेक्ट करना, उन्हें सेफ रखना, साथ ही साथ उनकी ड्यू रिस्पेक्ट उन्हें देना, वरना वो भी फेमिनिज्म और बाकी खतरनाक जालों में फंस जाएंगी। तो दोस्त इस बात को समझो, यू कैन ओनली हैंडल अ वुमन बाय लव एंड रिस्पेक्ट। आई हैव टोल्ड द सेम सॉल्यूशन टू वन ऑफ माय फ्रेंड्स और थिंग्स हैव चेंज्ड फॉर हिम अ लॉट, इतना कि उसने इमेजिन भी नहीं करा था। एक औरत जननी होती है और जैसा तुम उस जननी को ट्रीट करोगे, तुम्हारी आने वाले जनरेशन पर भी उसी तरीके का इफेक्ट होगा। महर्षि मनु मनुस्मृति में कहकर गए हैं, जहां औरतों का आदर होता है वहां देवता रमण करते हैं, और जहां उनका आदर नहीं होता वहां सभी कार्य निष्फल हो जाते हैं। बाकी इस वीडियो में इतना ही। आई होप इस वीडियो ने तुम्हें कंप्लीट न्यू पॉइंट ऑफ व्यू दिया होगा इस पूरी सिचुएशन पे। साइकोलॉजी का ऐसी कंटेंट देखने के लिए तुम मेरा दूसरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, और धार्मिक कंटेंट के लिए ये वाला चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। जय श्री राम, जय मां भारती।